नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर आदित्य रावल। मिस्टर आदित्य रावल प्राणिक हीलर है, कई सालों से कई लोगों को प्राणिक हीलिंग के द्वारा फायदा पहुंचाया है। वैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किया हुआ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर हम यही जानना चाहते हैं कि ये सुपर ब्रेन योगा एक्चुअली क्या होता है। सो ये सुपर ब्रेन योगा प्रोसीजर जो है वो एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज है हमारी मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए। तो जैसे अपनी मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के मेंटल एक्सरसाइजेस होते हैं। कोई रिडल सॉल्व करता है, कोई पजल सॉल्व करता है, बट ये एक हमें ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज है जो आपकी मेंटल, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ाता है। ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए कैसे मददगार है? जैसे कि ये फिजिकल एक्सरसाइजेस के जैसे बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ प्रकार से आपको स्क्वाट्स करने हैं। तो एक ब्रीदिंग के साथ जब आप स्क्वाट्स करते हो तो आपका जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो एक ही सिंक्रोनाइजेशन में आ जाता है, जो एक ही फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। और जब ये ब्रेन सुपर ब्रेन योगा रेगुलरली आप करते हो तो आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही ऐसे पाया गया है कि अल्फा वेव प्रोड्यूस करता है। सो ये जो अल्फा वेव होती है जिसको हमारे ब्रेन की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली वेव माना जाता है। तो जो लोगों ने 6 महीने तक सुपर ब्रेन योगा रेगुलरली किया है, मेडिकल स्टडी ऐसे बताता है कि उनके दोनों ब्रेन से अल्फा वेव प्रोड्यूस होती है, मतलब दैट इज द मोस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म ऑफ योर ब्रेन। तो दैट इज हाउ, अगर सुपर ब्रेन योगा आप रेगुलरली करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। इसके थ्रू हम अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप फिजिकली एक्सरसाइजेस की पोजीशन में आते हो, स्क्वाट्स करते हो एक स्पेसिफिक वे से, तो खाली आपकी मेंटल पावर नहीं बढ़ती है, खाली आप इमोशनली स्टेबल नहीं होते हो, बल्कि आप फिजिकली भी एनर्जाइज हो जाते हो। जैसे कि प्राणिक हीलिंग के विषय में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम चक्रों का भी अभ्यास करते हैं। तो कुछ चक्र जो होते हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स को कंट्रोल करते हैं, और कुछ चक्र जो होते हैं जो हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को और हड्डियों को, बोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो जो लोग सुपर ब्रेन योगा करते हैं उनके ये दोनों ही चक्रों में एनर्जी बढ़ जाती है। और बढ़ती है और बैलेंस भी होती है। तो जैसे कि हमारी ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे ही हमारे जो फिजिकल पावर है, फिजिकल कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज होना शुरू होती है। एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे आप प्राणिक हीलर हैं, तो ये प्राणिक हीलिंग एंड सुपर ब्रेन योगा इसमें आपस में कैसे कनेक्शन है? सो जिनका रिसर्च, जिन्होंने प्राणिक हीलिंग का रिसर्च किया उनका नाम है ग्रैंड मास्टर चोवा कोक्सुई। इन्होंने अलग अलग विद्याओं के ऊपर भी रिसर्च करना शुरू किया। तो जैसे भारत में हम पहले से गणेश आसन करते आ रहे हैं, आज भी हमारे स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता है कि जहां पे आपको एक ठराविक पद्धति से कान होल्ड करने हैं और स्क्वाट्स करने हैं। तो जैसे आप ये स्क्वाट्स करते हो वो पनिशमेंट करके हो जाता है, बट इसके पहले के जमाने में जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे, जहां आश्रम में बच्चे रहकर गुरु के साथ विद्या ग्रहण करते थे, तब ये ऋषि मुनियों ने जो एक आसन बनाया उसको नाम दिया था गणेश आसन। इन साउथ इंडिया इट इज ऑल्सो नोन एज थोपुकर्णम। तो अगर आप साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे कान पकड़ते हैं और गणपति जी की मूर्ति है उसके सामने स्क्वाट्स जैसे करते हैं। तो ये जो पुरातन प्राचीन भारतीय विद्या है जिसको आज हम भारतीय लोग भूल गए, तो मास्टर चोवा कोक्सुई जी थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और पता लगाया कि एक प्रकार का विज्ञान है जो हमारा ब्रेन पावर बढ़ाता है, जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और इसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा जो टेक्निक होती है ये आपको दिन में 14 बार प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसे प्रैक्टिस करनी है ये आपको ये बाजू के वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसमें आपको एक ठराविक पद्धति से कानों को होल्ड करना है। अभी कानों को क्यों होल्ड करना है, अगर आप देखेंगे तो हमारा कान का जो शेप है इट इज जस्ट लाइक अ बेबी इन मदर्स वूम। सो दिस पोर्शन करस्पॉन्ड्स टू अवर हेड। सो जैसे बॉडी होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स वायरिंग। जैसे कि आप बीमार हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपके पहले जीभ का कलर देखता है और इससे पता चलता है कि आपका एब्डोमिनल हेल्थ कैसा है। तो वैसे ही दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सोलॉजी। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डॉक्टर नाइगर।
उन्होंने 20 साल तक इसके ऊपर रिसर्च करके पता लगाया कि हमारा एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट की हेल्थ को बताता है। जैसे कि आपकी लिवर की हेल्थ आपके आंखों के कलर से पता चलती है, जिनको हेपेटाइटिस हो गया है उनकी आंखें पीली हो जाती है। तो वैसे ही हमारा जो कान का पोर्शन है वो हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन के पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। सो व्हेन यू होल्ड इयर्स इन अ प्रॉपर वे तो आपके ब्रेन के जो सेंटर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू स्क्वाट विद प्राणायाम, तो ब्रीद इन करते हुए आपको नीचे बैठना है और ब्रीद आउट करते हुए आपको खड़ा होना है। तो ऐसे करते हुए यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एनर्जी लेवल्स इन द हायर एनर्जी चक्रस। तो जैसे आपके हेड के चक्रों की एनर्जी बढ़ जाएगी, इट इज गोइंग टू एनर्जाइज योर ब्रेन, इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर ब्रेन। That's really wonderful. आप सही कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमारे समाज मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा है और कहीं ना कहीं हम आधुनिकता के तरफ बढ़ गए हैं और अपनी ही संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। It's really so nice. आपने कितना अच्छा लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। क्या ये प्रकार का जो आसन आपने जो बताया है इसको करने के लिए कोई नियम है और क्या कोई एज लिमिट है और क्या सब लोग इसको कर सकते हैं? Yes. सुपर ब्रेन योगा को सभी लोग कर सकते हैं। खाली जो महिलाएं हैं उन्हें अपने पीरियड्स के दरमियान वो 4 दिन और उसके पहले के 2 दिन और उसके बाद के 2 दिन सुपर ब्रेन योगा नहीं करना है। जो कैंसर पेशेंट है जिनकी फिजिकल बॉडी इतनी हेल्दी नहीं है उन्हें भी ये सुपर ब्रेन योगा रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप एक्सपर्ट जो प्राणिक हीलर्स होते हैं उनकी सलाह से भी सुपर ब्रेन योगा कर सकते हैं। बट इन जनरल सुपर ब्रेन योगा इज फॉर ऑल, स्पेशली जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आई हाईली रिकमेंड सुपर ब्रेन योगा टू देम। क्योंकि वो जब पढ़ाई करते हैं तो ना कि खाली अपनी ब्रेन आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, आपका लेफ्ट राइट ब्रेन तो बैलेंस होता ही है, बट इसका और एक परिणाम ये होता है कि देर इज बेटर कंट्रोल ओवर इमोशनल स्टेट। जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एंजाइटी बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, उसी वजह से वो घर में इरिटेट ज्यादा होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कभी कभी जैसे वो बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट दे फेस इज इंक्रीज सेक्सुअल ड्राइव्स। तो जब ये सुपर ब्रेन योगा रेगुलरली किया जाता है तो उसका असर ये दिखाई देगा कि आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है उसके ऊपर भी कंट्रोल आपको आ सकता है, आपका जो इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहा है वो भी आप बैलेंस कर पाते हो। फॉर एल्डरली पीपल इफ दे प्रैक्टिस इट रेगुलरली तो उन्हें ये बेनिफिट मिलता है कि एल्डरली एज में बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जिसको हम बोलते हैं ना भूल जाने की बीमारी लग जाती है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ही, बट कॉमनली जो 40s या 50s में है वो अगर नीचे काम के लिए उतरते हैं सामान लाने के लिए तो 10 में से 3 चीजें भूली जाते हैं। और ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बट ये भूलने की धीरे धीरे हमें आदत लग जाती है। तो ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है बहुत ही शार्प हो सकता है, चीजों को समझना मतलब ग्रास्पिंग कैपेसिटी ये हमारी बढ़ जाती है। एंड द बेस्ट बेनिफिट ऑफ सुपर ब्रेन योगा इज इट गिव्स यू इंट्यूटिव पावर्स। सभी लोगों के अंदर एक तरह का इंट्यूशन पावर होता है, बट अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो ये जो इंट्यूटिव पावर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आप प्रिसाइजली डिसीजन ले पाओगे, आपकी गलतियां कम होंगी तो आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि 14 टाइम्स दिन में इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, बट एट ए टाइम आपको कितनी बार करना चाहिए? नॉनस्टॉप 14 इज रिकमेंडेड। ओके, यानी एट ए टाइम 14 14 बार करना है, दिन में एक ही बार करना है। अच्छा। और ये रिपीटेड साइकिल्स नहीं करने, 14 सुबह, 14 दोपहर में, 14 रात, ऐसे नहीं करना। अच्छा। थ्रू आउट द डे यू हैव टू प्रैक्टिस इट 14 टाइम्स। ओके, सो एट ए टाइम अगर मैंने खाली 7 टाइम किया और बाद में फिर से दोपहर, अच्छा चलेगा। कुछ टाइम वाइम खाना वाना आगे पीछे नहीं खाना है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जस्ट डायरेक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपका शरीर आप फिजिकल बॉडी आपकी 40 साल से कम है, आप बिलो 40 इयर्स है, यू विल फेस ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप फिजिकली 40 इयर्स अबव है यू विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जैसे हम खाने से एनर्जी प्राप्त करते हैं वैसे डायरेक्शन से भी हमें कुछ एनर्जी प्राप्त होती है, वातावरण से भी हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो जो लोग 40 से कम उम्र के हैं नॉर्मली उनका शरीर हेल्दी होता है बट मेंटली उनका एक्सपीरियंस कम होता है,
मेंटली दे आर नॉट दैट वाइज, लाइफ के एक्सपीरियंसेस अभी ले रहे हैं, तो उनको वाइज करने के लिए, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन की एनर्जी फेवरेबल है. Because of sunrise? Because of the direction. East direction से जो प्राणा आता है, that is necessary for the higher chakras, for young people. For elderly people, they have to face north direction, क्योंकि वो direction से जो energy हमें प्राप्त होती है, वो हमारी physical body को strong करती है. Okay. और above 40 आप देखेंगे, तो लोग wise तो हो जाते हैं, उनको दुनियादारी का अनुभव आ जाता है, but धीरे धीरे उनका शरीर थकने लगता है, बीमारियां बढ़ने लगती है. तो उस केस में आपको नॉर्थ की तरफ फेस करना है. अच्छा, इसके रिजल्ट्स कितने दिनों में आने, मतलब महसूस होने लगते हैं इंसान को? वो तो डिपेंड करता है पर्सन की इंटेलेक्चुअल पावर के ऊपर, बट इफ ही प्रैक्टिसेस और शी प्रैक्टिसेस रेगुलरली फॉर 6 months और मोर, तो उन्हें पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली जो भी मैंने इंट्यूशंस के बारे में बताया, फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया, माइंड का इफेक्टिवनेस के बारे में बताया, वो उन्हें एक्सपीरियंस होना शुरू होगा. इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर students who are mentally like slow learner category, mentally retarded category, उन्हें भी ये बहुत effectively help करता है. So in general everybody can do it. Yes. That's really nice. I would suggest कि अगर आपको समझ में आ गया है कि super brain yoga की exercises कैसे करनी है, तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए. और अगर समझ में नहीं आया है, तो हमारे पास expert बैठे हुए, आप उनसे contact कर सकते हैं. उनके सारे details हम description में share करेंगे. उनसे कांटेक्ट करके आप उसको सही ढंग से करिए, बिकॉज इसके फायदे बहुत हैं. दोस्तों, इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नए वीडियोस लाते रहेंगे, नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, नए टॉपिक पर डिस्कस करते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.